हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। हरियाणा सरकार डेली अपने रोड मैप है वो तैयार करती जा रही है। जो भी उनको करना है 100 दिन का उन्होंने फैसला लिया है कि हम किस प्रकार से सरकारी नौकरियां देंगे, किस प्रकार से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका किस प्रकार से सुधार करेंगे, किस प्रकार से नए हम फॉर्म भरवाएंगे। तो सीईटी का भी जो मुद्दा है वो भी अलग चेंजेस होते जा रहे हैं। सीईटी के मुद्दे को भी आप देख पा रहे हैं। सरकार बोल रही है हम इस फैसले पर खुश नहीं है, हम अपने जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाकर लेंगे, तो वो अलग से मुद्दा बनता जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम का। अगर फॉर्म भर रखा है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी भर्ती का अपडेट नहीं मिल पा रहा है, कोई आज तक आपको मैसेज नहीं मिला, तो एक बार भाई और बहनों मुझे आप कॉमेंट करके जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जो भी उस विषय का लेटेस्ट अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आने वाले जून के महीने, जुलाई के महीने, अगस्त के महीने में तीनों महीने में आपको बम्पर ऑफर लेटर देखने को लेंगे। शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले 15 तारीख के आसपास आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 15 जून के बाद आपको आने वाले समय में इतने ज्यादा मैसेज मिल पाएंगे। जो भी भाई और बहन, अगर अभी तक आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, अभी भी समय है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सारी की सारी चीजें, जो भर्ती आपने अप्लाई की थी, हर भर्ती का अपडेट है वो वैलिड कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन जो करना चाहता है कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस भर्ती के अंदर जो भी लगना चाहता है बिल्कुल आराम से लग लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लेटेस्ट अपडेट जो भी आएंगे आपको पता चल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 4000 पदों के ऊपर हरियाणा सरकार ने लगभग फरवरी के महीने में एक नोटिस जारी किया था कि हरियाणा के जो सीएम साहब जब उस टाइम मनोहर लाल जी थे, उन्होंने बोला था कि महिलाओं के लिए हम 4000 जो पदों पर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की भर्ती करने जा रहे हैं। उस भर्ती का न्यूज के अंदर भी आपका कटिंग देखने को मिला था और वह भर्ती का फॉर्म लगभग 20 तारीख से शुरू होना था 20 फरवरी से, परंतु उस भर्ती को डिले कर दिया गया। उस भर्ती के आगे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया। काफी मेरी बहनों ने फॉर्म भरना चाहा परंतु उनके फॉर्म अप्लाई नहीं हुए। ये भर्ती आपके आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर प्राइमरी जो स्कूल बनाए जा रहे हैं, प्राइमरी जो छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल जिनको हम बोल पाएंगे, जो आपके प्ले स्कूल बनाए जा रहे हैं, हरियाणा सरकार जो अपनी नई स्कीम लेकर आई थी जो आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर, तो उनके अंदर ये 4000 महिलाएं भर्ती करने थे, परंतु इन भर्तियों के अंदर इनके फॉर्म अप्लाई नहीं हुए। दोबारा से हरियाणा के जो नए सीएम साहब, आपके नायब सैनी साहब हैं, उनको ये चीजें देखने को मिली है कि 4000 पदों पर एनटीटी की भर्ती भी हमें करवानी है। इसकी भी घोषणा सरकार ने पहले से कर रखी है। तो मैं सभी बहनों को बताना चाहूंगा, आने वाला जो जून का महीना, इसी महीने में लगभग 2 से 3 दिन तो आपके जा चुके हैं, इसी महीने के अंदर एनटीटी का आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। हरियाणा के जो सीएम साहब हैं उनको इस चीज का ज्ञापन मिल चुका है, उन्होंने ये सारी की सारी चीजें उनको मिल चुकी है। 4000 पदों के ऊपर एनटीटी की घोषणा हरियाणा सरकार पहले से कर चुकी है। ये भी भर्ती आपको इसी महीने में लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। अगर इस भर्ती का फॉर्म हरियाणा कौशल रोजगार निगम से अप्लाई होता है तो भी बता देंगे, परंतु अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पाई, इस भर्ती को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत करवाया जाएगा या डायरेक्ट आंगनवाड़ी विभाग करवाएगा या एजुकेशन डिपार्टमेंट करवाएगा। परंतु मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो 4000 पदों पर ही भर्ती करवाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी लग सकते हैं, अभी ये चीज क्लियर नहीं है, परंतु आने वाले समय के अंदर जून जून के महीने में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। 4000 जो पद है एनटीटी के फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से अप्लाई होंगे तो भी आप अप्लाई कर लेना। मेरी बहनों, आपके लिए जो भी आंगनवाड़ी केंद्र की जॉब्स आती है, जो भी ऑफिस वर्क आते हैं, कोर्टों के अंदर असिस्टेंट की जॉब्स आती है, 4000 पद आपके लिए आ रखे हैं। पीजीटी टीजीटी हो गया, पीआरटी की जॉब हो गई, जेबीटी की टीचर्स की हो गई, साथ में आपके जीएनएम एनएम की होगी, नर्सरिंग की जो भर्ती आती है, अगर आपको किसी भी टाइप के कोई भी भर्ती में चाहिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी चाहिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और 4000 पदों का मेरी बहनों के लिए आने वाले समय के अंदर जून के महीने में जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। तो सभी बहने गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक छोटा सा अपडेट था, ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।